This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। ने श्रीलंका को इनिंग और 239 रन से हराया, विराट मैन ऑफ द मैच। भारत ने श्रीलंका को उसकी दूसरी इनिंग में 166 रन पर ऑल आउट कर नागपुर टेस्ट चौथे दिन का एक इनिंग और 239 रन से जीत लिया। श्रीलंकाई बैट्समैन लकमल 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आर अश्विन ने इसके साथ ही अपने 300वें टेस्ट विकेट भी पूरे कर लिए हैं। वो सबसे तेजी से 300 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के नंबर वन ऑल बॉलर बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीलंका कप्तान विदेश दिनेश चांडीमल ने यहाँ करियर की 14वीं हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन वो अपनी टीम की हार को नहीं टाल पाए। तीसरे दिन के स्कोर 21-1 से आगे खेलते हुए श्रीलंका के इनिंग लंच से पहले ही बिखर गई और उसने 7 विकेट खो दिए। मैच में पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने पहले इनिंग में 205 और दूसरी में 166 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया ने अपनी पहली इनिंग में 610 पे 6 रन बनाकर डिक्लेयर कर ली थी। 213 रन बनाने वाले इंडियन कैप्टन विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे। जीत के साथ टीम इंडिया ने बनाई कई रिकॉर्ड्स। 31 में से विराट ने जीते 20 टेस्ट। बतौर कप्तान विराट कोहली ने 31 टेस्ट मैचों में 20 टीम इंडिया को जीत दिलाई है। इनमें से 3 उन्हें हार मिली, जबकि 8 मैच और हैं। इसके साथ ही इतने टेस्ट में अपनी टीम का सबसे ज़्यादा जीत दिलाने के मामले में तीसरे सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने 31 में से 23, स्टीव वॉ ने 31 में से 21 मैच जीते थे। अब विराट के निशाने पर सौरव गांगुली का रिकॉर्ड है। गांगुली ने 49 टेस्ट कप्तानी करते हुए 21 टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। सबसे ज़्यादा टेस्ट जीत के मामले में MS धोनी नंबर वन है। उन्होंने 60 में से कप्तानी करते हुए 27 मैच जीते थे। धन्यवाद।